Hi friends, welcome back to my YouTube channel. Please click the red button and turn on the notification bell to help us grow. Thanks for the support. आज मैं आपको 2018 की एक एक्शन थ्रिलर मूवी की वजाहत करूंगी जिसका टाइटल है रैम्पेज। तो हमारी मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि 1993 में क्रिस नाम की एक मेडिसिन बनी जिसके जरिए लाइलाज बीमारियों के इलाज के लिए एक नई टेक्नोलॉजी ईजाद की गई और फिर खतरनाक तजुर्बात करने के लिए इसका तेजी से गलत इस्तेमाल किया गया। फिर हम एक खलाई स्टेशन को देखते हैं जिसका नाम ET-91 है। हम एक लैब को देखते हैं जिसमें एक बड़े चूहे ने क्रिस वायरस के असर की वजह से डॉक्टर कैरी एटकिंस के अलावा पूरे अमले को मार डाला है। डॉक्टर कैरी एटकिंस कंट्रोल रूम को खलाई स्टेशन की सूरत हाल से आगाह करती है और वो खुद स्केप कैप्सूल की तरफ जाती है इसलिए कि इससे वापस जमीन पर आ सके। लेकिन कंट्रोल रूम पर हम बायोटेक कंपनी की CEO को देखते हैं जिसका नाम कुलेरी वाइट है ने कैप्सूल को लॉक कर दिया और डॉक्टर कैरी एटकिंस को वापस अंदर जाकर इस वायरस के सिंपल को साथ लाने को बोला वरना कैरी को इस खलाई स्टेशन में ही मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। हम देखते हैं कि डॉक्टर कैरी वापस से तबाहशुदा जहाज के पास जाती है और 3 नमूनों को महफूज करने का इंतजाम करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस मॉन्स्टर चूहे ने उस पर हमला करने की कोशिश की लेकिन वो बरवक्त फरार होने और कैप्सूल के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो जाती है। खलाई जहाज के अंदर मौजूद चूहे के साथ फटने से ठीक पहले वो खलाई स्टेशन से निकल जाती है लेकिन इस मॉन्स्टर चूहे की वजह से होने वाले हरकत की वजह से नमूनों के कैप्सूल की खिड़की टूट जाती है जिससे पूरा कैप्सूल तबाह हो जाता है और कैरी फौरी तौर पर हलाक हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम जमीन पर डेविस ओकेट को देखते हैं। वो एक प्राइमेटोलॉजिस्ट है जो सान डियागो वाइल्ड लाइफ सिंकोरी में काम करता है। वो नेल्सन एनी और कोनर को गोरिल्ला इंक्लोजर में ले जाता है। डेविस क्लब के नए मेंबर के जिसका नाम भाव होता है इसके साथ बात करने की कोशिश करता है जो अभी काफी गुस्से में लगता है लेकिन वो इसको इशारों की जबान से इसे पुरसुकून करता है। अचानक एक गोरिल्ला आता है जिसका नाम जॉर्ज है और वो डेविस का काफी अरसे से सबसे अच्छा दोस्त बन चुका है। जॉर्ज के आने की वजह से कोनर घबरा जाता है और भाग जाता है। कोनर को भागता देख कर भाव भी इसके पीछे भागता है यहाँ तक कि जॉर्ज भाव को गिरा देता है। इसके बावजूद डेविस जॉर्ज को याद दिलाता है कि वो भाव के साथ दोस्ती करे क्योंकि शिकारियों ने उसके पूरे खानदान को मार डाला और अब वो एक यतीम गोरिल्ला है। सीन शिफ्ट होता है और अब हम उन 3 नमूनों को देखते हैं जो डॉक्टर कैरी ने खलाई स्टेशन से लिए थे। अब वो जमीन की तरफ आ रहे हैं। हम देखते हैं कि एक सिंपल जॉर्ज के पास गिरता है और इसमें से जहरीली गैस बाहर आती है जबकि दूसरा भेड़ियों के करीब जंगल में उतरता है और उसमें से भी गैस बाहर आती है और आखिरी एवर ग्लेडिस नेशनल पार्क के एक दरिया में गिरता है जहां से एक मगरमच्छ निकल जाता है। अगले दिन डेविस को जॉर्ज के अजीब रवैये के बारे में बताया जाता है। डेविस देखता है कि जॉर्ज भी हैरान कुन तौर पर कल से बहुत बड़ा हो गया है। टीम सिंपल्स को तलाश करने का इंतजाम करती है और डेविस उसे तलाश करता है। सीन शिफ्ट होता है और अब हम क्लेयर के भाई को देखते हैं जिसका नाम बरीट है जो बहुत गुस्से में है जब उसे पता चला कि इसका खलाई स्टेशन मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है और उसकी कंपनी का स्टॉक डूब रहा है। लेकिन क्लेयर मुतमईन दिखाई देती है और लगता है कि वो अपने खोए हुए पैसों की परवाह नहीं करती क्योंकि कामयाब अत्योरतन साबित करती है कि प्रोजेक्ट रैम्पेज तजुर्बा कामयाब है। वो इस बात पर भी बहुत पुरेतमाद है कि उन्हें अब भी इस मंसूबे में उम्मीद है क्योंकि अमेरिकन मेट्योर सोसाइटी की रिपोर्ट में नमूने में से एक के मकाम का पता चलता है जिसकी वजह से इसे फौरी तौर पर एक निजी फौजी सर्विस की खिदमत हासिल करना पड़ती है ताकि वो डब्बे को दोबारा हासिल कर सके इससे पहले कि कोई इसे तलाश कर ले। फौजी टीम की क्यादत बर्क कर रहे हैं और वो और उनकी टीम वार्मिन की तरफ इस जगह जा रही है जहां दूसरा सिंपल उतर गया था। उनके पहुंचने पर उनको पता लगा कि सिंपल को शदीद नुकसान पहुंचा है और पता चलता है कि तमाम भेड़िये मर चुके हैं। क्लेयर ये समझते हुए कि बाकी भेड़िये मुतासिर है वो उसे हुक्म देती है कि वो भेड़िये को मुर्दा और जिंदा पकड़ ले। डेविस जॉर्ज के खून की रिपोर्ट देखता है और कहता है इसके खून में ग्रोथ हार्मोन की जहरीली गैस है जो उसे फौरी तौर पर हलाक कर सकती है।
फिर हम डॉक्टर कैट कॉलेट बेल को देखते हैं। वो इनर्जाइजर की साबिक मुलाजमा है जो टीवी पर इथीना वन आफत और जॉर्ज के पिंजरे से फरार होने की खबरों के बारे में सुनती है और उसके बाद वो फौरन वहां जाती है। वहां वो डेविस से मिलती है और बताती है कि जॉर्ज के पंजरे पर जो डब्बा पड़ा है वो इस गैस का नमूना है। डेविस इसे तहकीक में शामिल होने की इजाज़त देता है और वो जॉर्ज के जीन्स में तब्दीली और इस गैस के बारे में डेविस को बताती है, जिसकी वजह से जॉर्ज तेजी से बढ़ता है और गुस्सा हो जाता है। इसने डेविस को बताया कि इसने एक म्यूटेजन तैयार किया है। इसका दावा है कि वो वाहिद है जो जॉर्ज को इस बीमारी से ठीक कर सकती है। अचानक जॉर्ज गुस्से में आ जाता है और आखिरकार अपने पिंजरे से बाहर निकलता है और तमाम लोगों को डरा देता है। डेविस जॉर्ज को पुरसुकून करने की कोशिश करता है और पुलिस को अपनी बंदूकें नीचे करने का हुक्म देता है और ये काम करता है, लेकिन हेलीकॉप्टर से एक स्नाइपर जॉर्ज पर फायर करना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि वो बेहोश हो जाता है। जब बर्क ने जंगल की गहराई में सफर करते हुए एक तब्दील शुदा भेड़िए को देखा और इसे हेलीकॉप्टर से गोली मारने की कोशिश की, इसके बाद वो मुर्दा वुल्फ की लाश को तलाश करने के लिए उतरते हैं, लेकिन जमीन पर वुल्फ के पंजों का एक बड़ा निशान दरियाफ्त करते हैं जिससे वो घबरा जाते हैं। सिर्फ चंद लम्हों बाद राल्फ हमला करना शुरू कर देता है और बर्क की टीम के अरकान को एक एक करके खत्म करना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि सिर्फ बर्क ही रह जाता है। हेलीकॉप्टर की मशीन गन भी इसके खिलाफ काम नहीं करती क्योंकि भेड़िए ने बुलेट प्रूफ जल्द तैयार कर ली है। वो अब एक बहुत बड़े और शैतानी भेड़िए में तब्दील हो गया है जो उसे हेलीकॉप्टर की तरफ ले जाने और हेलीकॉप्टर को तबाह करने की इजाज़त देता है। इसके बाद वो बर्क को भी मार देता है। डेविस और कैट को गिरफ्तार कर लिया गया है। एजेंट हार्वे रसूल को जहाज में सवार होने से पहले, जो जॉर्ज को जहाज में ले जा रहा है, रसूल इन दोनों से सवालात करता है और डेविस के वक्त आर्मी स्पेशल फोर्सेस और अक़वाम मुत्तहिदा की स्पेशल एंटी पोचिंग टास्क फोर्स के साथ देखता है। इसके बाद इसने बताया कि कैट को 2 साल कब्ल नौकरी से निकाल दिया गया था और उसकी वजह कैट ने कंपनी की हार्ड ड्राइव्स को चुराने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से कैट को 13 माह के लिए जेल में डाल दिया गया था। यह सुनकर डेविस मायूस हो जाता है और अब कैट पर यकीन नहीं करता क्योंकि इसने डेविस से झूठ बोला था और उसने एतराफ़ किया कि वो जॉर्ज का इलाज नहीं कर सकती। सीन शिफ्ट होता है और हम क्लेयर को देखते हैं, जिसने कैट को पहचान लिया और पेशीन गोई की कि वो उनको बर्बाद करने के लिए सबूत इकट्ठा कर रही है। क्लेयर ने बताया कि कैट ने कहा है कि कंपनी ने हकीकत में R19 नामी तब्दील शुदा मखलूकात का इलाज मुकम्मल कर लिया है, जिससे उनकी नशोनुमा रुक जाएगी। क्लेयर रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हुए तमाम तब्दील शुदा जानवरों को अपने दफ्तर में खींचने का इरादा रखती है, जहां फौज उन्हें मार डालेगी, जिससे क्लेयर और ब्रीट को उनका DNA जमा करने और इससे पैसा कमाने का मौका मिलेगा। इसे ये भी यकीन है कि जॉर्ज, जो अभी भी कैट के साथ इसी जहाज में है, इससे बच जाएगा और उसे कंपनी के लिए खतरा समझकर उसे खत्म कर देगा। इसके बाद वो डिवाइस को शुरू करती है, जिसकी वजह से भेड़िया अचानक घूमना बंद कर देता है और रेडियो वेव्स की तरफ भागना शुरू कर देता है। मगरमच्छ, जिसने आखिरी सिंपल को निगल लिया था, वो भी मुतासिर हुआ और क्लेयर के मंसूबा के मुताबिक इसने भी टावर की तरफ सफर करना शुरू कर दिया। हम देखते हैं कि जॉर्ज बेहोश होने के बावजूद अचानक से बेदार हो जाता है। वो पिंजरे को तबाह कर देता है और तबाही मचाना शुरू कर देता है। लोग इस पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन जॉर्ज पर कोई असर नहीं होता। किसी से गलती से बम पर गोली लग जाती है, इसकी वजह से ये फट जाता है और तैयारी की टरबाइन तबाह हो जाती है। तैयारा गिरने से पहले डेविस कैट के साथ पैराशूट लेकर जहाज से निकालने का इंतजाम करता है। जॉर्ज हवाई जहाज के हादसे में बच जाता है और फौरी तौर पर इस टावर की तरफ बढ़ता है। क्लेयर को मालूम होता है कि कैट भी तैयारे के हादसे में बच गए। सीन शिफ्ट होता है और हम अब FBI एजेंट्स को देखते हैं, जो अब कंपनी के रिकॉर्ड्स की मुकम्मल जांच करने की दरख्वास्त करते हैं। हम देखते हैं कि क्लेयर ने तमाम इल्जाम कैट पर डाल दिया है। इस तरह वो FBI एजेंट को बताती है कि कैट वो है जो इस वक्त होने वाली तमाम अफरातफरी की जिम्मेदार है। फिर हम कैट और डेविस को देखते हैं। वो डेविस को समझाने की कोशिश करती है। इसने वो वायरस सिर्फ भाई को बचाने के लिए तैयार की थी, लेकिन कंपनी ने इसे खुफिया तौर पर एक हथियार के DNA बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। कैट ने इसे तबाह करने की कोशिश की, लेकिन वो पकड़ी गई और इसे जेल भेज दिया गया। इसके भाई की मौत इस वक्त हुई जब वो जेल में थी। ये सुनने के बाद डेविस ने इसके साथ दोबारा मिलकर काम करने का फैसला किया। रसूल की वजह से इन तीनों को बचाया गया और स्कॉट एयरफोर्स बेस पर लाया गया। वहाँ डेविस ने जॉर्ज और भेड़िया को एक साथ भागते हुए देखा। फिर डेविस बताता है कि 2 मुख्तलिफ जानवरों का, एक गोरिल्ला और एक भेड़िया का, एक ही मंजिल तक सीधी लाइन में सफर करना नामुमकिन है। कैट ने कहा कि इन दोनों को किसी चीज से बुलाया जा रहा है और इसे रोका नहीं जा सकता। कैट और डेविस को सिपाही बाहर लाता है, लेकिन डेविस उन्हें बेहोश करता है और एक बार फिर रसूल की मदद से वो एक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हुए एयरपोर्ट से फरार हो गए। वो एंटीडोट को चुराने के लिए इस टावर के हेडक्वार्टर की तरफ ही जा रहे हैं। दूसरी तरफ
फौज उन जानवरों को रोकने की कोशिश करती है लेकिन नाकाम हो जाती है क्योंकि वो जानवर पूरी फौज का सफाया कर देते हैं। इसकी वजह से कर्नल ने शिकागो को खाली करने का फैसला किया जहां दरिंदे जा रहे हैं और रसूल ने डेविस को इसकी इत्तला दी। शहर में दरिंदे आ चुके हैं और फौज टैंकों और हेलीकॉप्टरों का एक ग्रुप इस्तेमाल करती है। चंद लम्हों बाद तब्दील मगरमच्छ में शामिल हो जाता है और शहर में तबाही मचाना शुरू कर देता है। कर्नल अपने अमले को बड़े पैमाने पर बम तैयार करने का हुक्म देता है जो आधे शहर को खत्म कर सकता है। रसूल फैसले में मुदाखलत करने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि डेविसन एंटीडोट को महफूज करने गया है और यह हमारा दूसरा तरीका हो सकता है, लेकिन कर्नल ने इस तजवीज को मुस्तरद कर दिया। हम देखते हैं कि बड़े बम को ले जाने वाले जेट ने उड़ान भरी है और शहर की तरफ बढ़ रहा है। डेविस और कैट हेडक्वार्टर के अंदर जाने और एंटीडोट को तलाश करने में कामयाब हो गए, लेकिन उन्हें क्लेयर ने देख लिया। क्लेयर ने डेविस को पेट में गोली मार दी। इसके बाद वो उसे एंटीडोट उसके हवाले करने पर मजबूर हो गए। इसके बाद क्लेयर डेविस को अकेला छोड़कर और कैट को यरगमाल बनाकर इमारत के ऊपर चले जाती है। इससे पहले कि हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करता, जॉर्ज आ जाता है और हेलीकॉप्टर को तोड़ देता है जो कैट को तकरीबन मार देता है, लेकिन डेविस वक्त पर आता है और इसे बचाता है। कैट ने बताया कि वो अपने साथ एक एंटीडोट को छुपाने में कामयाब हो गई थी जो बाद में जॉर्ज को लगाया जाएगा। उनका सामना क्लेयर से होता है लेकिन डेविस इसका ध्यान बटाने में कामयाब हो जाता है और कैट ने क्लेयर के बैग में एंटीडोट को डाल दिया। हम देखते हैं कि जॉर्ज ने क्लेयर को खा लिया। इस दौरान ब्रीट जो ग्राउंड फ्लोर से फरार होने की कोशिश करता है वो रसूल से मिलता है और इसे लैपटॉप दे देता है जिसके बाद वो भाग जाता है, लेकिन ऊपर से इमारत का मलबा गिरने से वो कुचला जाता है। अब जॉर्ज पर एंटीडोट का असर हो रहा है। डेविस और कैट इमारत के गिरने से कुछ वक्त पहले एक टूटे हुए हेलीकॉप्टर के साथ इमारत से फरार होने में कामयाब हो गए। वो महफूज तरीके से जमीन पर उतरते हैं और जिंदा रहते हैं। हम देखते हैं कि जॉर्ज अब ठीक हो गया है और वो उन्हें बाकी दोनों जानवरों से बचाता है। डेविस ने कैट को फोन तलाश करने को कहा और रसूल को फिजाई हमले को ना करने के लिए फोन किया, जबकि उसने खुद को ग्रेनेड लॉन्चर से लैस किया और जानवरों की लड़ाई में शामिल हो गया। गोरिल्ला और भेड़िए के दरमियान शदीद लड़ाई के बाद मगरमच्छ मैदान जंग में शामिल होता है और भेड़िए को उसकी गर्दन में काट कर उसे खत्म कर देता है। कैट बिल आखिर रसूल से मिलती है। बाद में फिजाई हमले को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हम देखते हैं कि अब मगरमच्छ और जॉर्ज लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जॉर्ज मगरमच्छ को शिकस्त देने के लिए कोशिश कर रहा है लेकिन नाकाम है। डेविस मगरमच्छ की गर्दन में बमों की बेल्ट डालकर जॉर्ज की मदद करता है। बम थक जाता है लेकिन मगरमच्छ को कुछ नहीं होता है और वो जॉर्ज को स्टील बार की तरफ फेंक देता है। स्टील बार जॉर्ज के सीने में लग जाता है। जैसे ही मगरमच्छ जॉर्ज के करीब आता है और इसे खत्म करने की तैयारी करता है, डेविस इसकी तवज्जो हटाने के लिए टूटे हुए हेलीकॉप्टर से गोलियों और मिसाइलों का इस्तेमाल करता है। इसकी वजह से मगरमच्छ डेविस के पीछे जाता है और तकरीबन उसे मारने ही वाला होता है। लुकियन जॉर्ज हुआ में छलांग लगाता है और स्टील बार मगरमच्छ की आंखों में घिसाता है। आखिरकार मगरमच्छ को मार डालता है। कर्नल जो देखता है कि मगरमच्छ को मार दिया गया है, वो एयर स्ट्राइक मिशन को खत्म करने का हुक्म देता है। जॉर्ज मरने की एक्टिंग करता है जिससे डेविस को लगता है कि जॉर्ज मर गया है और डेविस बहुत दुखी हो जाता है। रसूल और कैट भी वहां पहुंच गए, लेकिन जॉर्ज को इसकी आंख को हिलाते हुए पकड़ लिया जिससे ये जाहिर होता है कि जॉर्ज उनको सिर्फ बेवकूफ बना रहा है। और फिर जॉर्ज जाग जाता है और उसके साथ ही हमारी मूवी एंड हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएगा। आपका बहुत शुक्रिया दोस्तों। मजीद वीडियोस के लिए प्लीज वीड बटन को टच करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। खुश रहें। देखने के लिए शुक्रिया। अगली वीडियो तक अलविदा।